जो हमारी लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त करेगा वो हमारा नेता होगा। 2013 में जैसे कि सब जानते होंगे मुजफ्फरनगर और शामली जिले में जो दंगे हुए थे, महिलाओं का बहुत शोषण हुआ था इन दंगों में। हमने 3 सवाल उठाए, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। दवाई किसी के पास भी नहीं पहुँच रही। पहली बात तो अस्पतालों में हमें मतलब ये जो डॉक्टर होते यही नहीं मिलते। बहुत अहम मुद्दा गाँव में है महिलाओं पर होने वाले हिंसा का। ये वाली चीज मुझे मायावती की उसमें बहुत अच्छी रही कि कम से कम छेड़छाड़ बंद हुई। दलित और मुस्लिम महिलाओं पर ज्यादा शोषण है और ज्यादा अत्याचार। लड़कों को तो पुलिस भेजते होगी, लड़कियों को नहीं भेजते होगी, तो बोलते हैं कि मालूम महिलाएं आपकी बार वोट तो खूब करेंगे। यूपी के संदर्भ में तो अभी बीजेपी की शक्ल नहीं देखी है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें घुटन महसूस हो रही है।